विभाग में अफसर शाही घड़ी हो गया है, कोई आवेदन पर आवेदन हम लोग दे रहे हैं। भारत माता की, हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द हो, हमारी नियुक्ति पूरी करो, हमारी बहाली पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी बहाली की सरकार। एसटीटी 2019 के जो अभ्यर्थी हैं वो जदयू कार्यालय पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। इस वक्त हम जदयू कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से काफ़ी संख्या में जो एसटीटी 2019 के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहां पहुंचे हैं और सरकार से हमारी मांग है कि बचित उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति, यानी कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति की मांग को लेकर ये पहुँचे हैं। और देखिए ये जदयू कार्यालय है और जदयू कार्यालय के ठीक बाहर काफ़ी संख्या में एसटीटी 2019 के शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुसंधान अभ्यर्थी जो है वो पहुंचे हैं कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर। हम इनसे बात करते हैं और क्या मांग है, किस लिए पहुंचे हैं, किस लिए आप लोग पहुंचे हैं जदयू का? हम लोग स्टेट 2019 क्वालिफाइड हैं, स्टेट फिजिकल टीचर हैं। हम लोग अभी तक सर नियुक्ति नहीं मिली, जिसमें 8386 पद कैबिनेट से स्वीकृत हुआ था, जिसमें लगभग 2265 बच्चों की नियुक्ति हुई है, जिसमें लगभग 1400-1500 बच्चे अभी भी शेष हैं और पद 6022 पद अभी भी रिक्त है। इसके बावजूद भी पद अधिक है सर, हम लोगों की बच्चे कम हैं, इसके बाद भी हम लोग नियुक्ति नहीं मिल रही है। हम लोग एक साल से भटक रहे हैं और यहाँ आए आशा और उम्मीद के साथ, अंदर गए वहाँ से खदेड़ दिए गए, भगा दिए गए, गार्ड वगैरह कहने बाहर जाइए भाई, रोड पर जाइए, कोई सुन नहीं रहा। हम लोग सर भटक रहे हैं। क्या लगता है ये तो मामला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, तो तेजस्वी यादव के पास आप लोग को जाना चाहिए? स्वास्थ्य का मामला नहीं सर, फिजिकल टीचर है, शिक्षा डिपार्टमेंट से है सर। शिक्षा विभाग जी सर, फिजिकल टीचर, स्पोर्ट टीचर हम लोग। अच्छा जी, स्वास्थ्य का मामला नहीं है सर। कौन करेगा सर? शिक्षा मंत्रालय करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय, इसलिए यहाँ से भी उम्मीद है हम लोग की यही कुछ करवाएं। हम लोग भटक रहे हैं एक साल से सारे लोग जी सर, आशा और उम्मीद के साथ आए हैं। हम लोग यूपी से आए हैं सर, मैं यूपी से आया हूँ, अमेठी से। कितने संख्या में आप लोग हैं? अरे सर हम लोग 1400-1500 बच्चे हुए हैं अभी और 6022 पद ऑलरेडी रिक्त है सर। तो देखिए 1400-1500 की संख्या में है, 1400-1500 की संख्या में, 1400 की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं एसटीटी के वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन करने पहुँचे थे और जदयू कार्यालय में पहुँचे थे और चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलें और अपनी समस्या को रखें। यही ना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब से आप मिले? जी जी जी, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग को अंदर गए तो क्या बोला? अभी अंदर कोई आया नहीं था, अब आए हुए हैं तो हम जा रहे हैं मिलने के लिए। यही मिलने के लिए आए थे कि मुख्यमंत्री जी के पास हम लोगों का मैटर को चौंपाया जाए, कहीं ना कहीं हम लोगों का बीच में मामला रुक रहा है, इसी के चलते अभी तो किन लोगों से आप लोगों ने मुलाकात की है इस मामले को लेकर? अभी तो हम बहुत लोग से मिल चुके हैं, लोग अधिकारी लोग से मिल चुके हैं, अभी 3-4 महीना से अधिकारियों नहीं मिल रहे हैं। विभाग में अफसर शाही घड़ी हो गया है, कोई आवेदन पर आवेदन हम लोग दे रहे हैं, आवेदन का तो ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन का कोई जवाब नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन हर हफ्ता में दिया जा रहा है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। इतना अफसर शाही हो गया है कि हम लोग जाते जाते थक गए हैं, ना डायरेक्टर मिल रहे हैं ना अपर मुख्य सचिव मिल रहे हैं। कम से कम मिल करके बताना चाहिए ना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम अक्सर जाए हुए हैं। तो देखिए बिहार के कई जिला और कई राज्यों से भी पहुंचे हैं, ऐसे में यूपी के भी जो एसटीटी के जो 2019 के अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हैं, तो ऐसे में वो मांग कर रहे हैं कि हमारी जल्द से जल्द नियुक्ति हो। इन मांगों को लेकर आज जदयू दफ्तर में पहुंचे हैं, जदयू कार्यालय में पहुंचे हैं और जदयू कार्यालय के बाहर जब ये अंदर जा रहे थे तभी इन्हें गार्ड और सुरक्षा कर्मियों के द्वारा इन्हें बाहर भेज दिया गया। अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे और हमारी समस्या को सुनेंगे। कई अधिकारियों से ये मिल चुके हैं लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में अफसरशाही हावी है और हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है अफसरों के द्वारा। हमारे सहयोगी सरवन राज के साथ बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।